हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स आईसीए एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं या कुछ मार्क्स से एग्जम्पशन से रह जाते हैं। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाली है जो कि सीए सीएमई या सीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ टू कैटेगरी के स्टूडेंट्स। फर्स्ट कैटेगरी जिनके 50 से 60 मार्क्स आ जाते हैं लेकिन कुछ माइनर या सिली मिस्टेक्स की वजह से वो एग्जम्पशन से रह जाते हैं, एंड सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके 50 मार्क्स से कम आते हैं और वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनके 50 से 60 मार्क्स आ जाते हैं लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से वो एग्जम्पशन नहीं ला पाते हैं, उनमें फर्स्ट मिस्टेक है न्यूमेरिकल एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी डिजिट है उसको 5453 की जगह क्वेश्चन सॉल्व करते समय 5354 से कर दी है तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है उसकी 12 बच जाएगी। होगा क्या कि आपने सारे स्टेप सही किए हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है क्वेश्चन को लेके, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी है, आपका पेपर भी पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आपने फिगर ही अगर गलत कोट कर दिए तो आपका जो पूरा आंसर है वो ही गलत हो जाएगा। तो एक ये मेन रीजन भी है आपके एग्जाम में लो स्कोर गेन करने का। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने रिविजन तो पूरा करा है एग्जाम टाइम से पहले लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आप उन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर पाए और वही चैप्टर अगर आपके एग्जाम टाइम में आ जाते हैं तो आप उनको अटेंड नहीं कर पाते, तो ये भी एक मेन रीजन हो सकता है आपके लो स्कोर आने का। कम नंबर आने का एक मेन रीजन आपका स्पीड इशू भी हो सकता है, यानी कि आपको पेपर तो पूरा आता है लेकिन आप पेपर 70 से 75 मार्क्स का ही अटेंड कर पाए हैं तो फिर आपके एग्जम्पशन नहीं आ पाएगी। लास्ट जो रीजन हो सकता है वो है प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, यानी कि आपको आंसर पूरा आता है लेकिन आपने उस आंसर को प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा है या फिर आपने उसके साथ नरेशन नहीं लिखी है या फिर आपने कंक्लूजन जो है वो सही तरीके से नहीं लिखा है जो कि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो ये भी आपका मेन रीजन हो सकता है कम मार्क्स आने का। तो जिन स्टूडेंट्स के 50 से 60 मार्क्स आ रहे हैं उनको अपनी पूरी जो स्टडी की स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो केवल ये 3-4 पॉइंट्स है उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो भी वो एग्जाम में अपने पेपर्स में एग्जम्पशन ला सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके 50 मार्क्स या उससे कम आ रहे हैं तो उनके जो लो स्कोर आने का मेन रीजन क्या क्या है, तो फर्स्ट है लैक ऑफ पेपर सॉल्विंग। तो स्टूडेंट्स जिनको पेपर तो पूरा सॉल्व करना आता है चैप्टर वाइज लेकिन जब पूरा सिलेबस साथ में आ जाता है तो वो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पेपर जो है उसको कैसे सॉल्व करें, यानी कि सारे कंसेप्ट जब एक साथ आते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं पेपर सॉल्व करने में। सेकेंड रीजन कि आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से नहीं की है तो आप एग्जाम टाइम में उन एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थर्ड है लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी कि आपने पेपर जो है उसमें आंसर तो पूरा सही लिखा है लेकिन इंस्टीट्यूट जो आपसे टेक्निकल लैंग्वेज एक्सपेक्ट करता है आपने उस टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर को नहीं लिखा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके कम मार्क्स आने का। फोर्थ रीज़न है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में पेपर अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट के द्वारा जो अभी पेपर तैयार किए जा रहे हैं वो नॉलेज बेस पे ना होकर एनालिटिकल बेस पर होंगे, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप एग्जाम में पेपर अटेंड नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ रीज़न आपका कम मार्क्स आने का ये भी हो सकता है कि आपने सेलेक्टिव स्टडी की हो, यानी कि आप कुछ चैप्टर्स जो है ना उनको ही एग्जाम में प्रिपेयर करके गए हो, तो ये मेन रीज़न है जिनकी वजह से स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।